नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्टीम के बारे में। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स ये आप लोग जरूर पहले कर लीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक्स हैं बोट एंड स्टीम के वो टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन से ही रिलेटेड हैं। तो हम देखेंगे पहले कि इसके बेसिक्स क्या है, किस टाइप की कंडीशंस बनती हैं इसमें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेसिक्स क्या है इसके। तो दोस्तों आपको जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का ही यूज होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो टाइम एंड डिस्टेंस का यूज होने वाला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपका यही सिंगल फॉर्मूला ही यूज होगा। लेकिन ये किस टाइप से यूज होगा वो हम देखेंगे अभी। जो इसके बेसिक्स हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, किस टाइप के पैटर्न बनते हैं, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स कन्वर्जन कैसे करना है, ये सब मैं टाइम एंड डिस्टेंस के वीडियो में बता चुका हूं। तो इस टॉपिक करने के पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या बोला है। बोट एंड स्ट्रीम मीन्स इसमें बोट होगी या स्ट्रीम होगा। तो बोट स्ट्रीम में देखिए दो कंडीशन बनती है आपकी, देखिए क्या कंडीशन है। जैसे मैंने मान लिया ये क्या है आपका, ये स्ट्रीम है। स्ट्रीम को कई बार करंट भी बोला जाता है, स्ट्रीम को करंट भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये मान लिया मैंने स्ट्रीम है, तो इस स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या होगी, या तो अपवर्ड होगी या फिर क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो जब अपवर्ड होगी तो अप स्ट्रीम, डाउनवर्ड होगी तो डाउन स्ट्रीम। अब मैंने मान लिया इसमें एक ये मेरा बोट है, क्या है, बोट है। तो इस बोट की डायरेक्शन भी क्या हो सकती है, अप हो सकती है और डाउन हो सकती है। तो देखिए मैंने मान लिया कि मेरी जो बोट की जो स्पीड है वो क्या है, एस बी है, स्पीड ऑफ बोट। एंड स्ट्रीम की स्पीड को मैंने मान लिया एस एस, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखिए दो कंडीशन बनेंगी, जब ये बोट इस करंट या फिर स्ट्रीम के साथ फ्लो हो रही है। मान लीजिए करंट का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और बोट भी क्या है, डाउनवर्ड है। मीन्स जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, और बोलते हैं इसको विद द करंट, मीन्स जो बोट है वो करंट के साथ फ्लो हो रही है, विद द स्ट्रीम या फिर विद द करंट, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्पीड है टोटल स्पीड वो एड हो जाती है, मीन्स एस बी प्लस एस एस। जैसे हमने ट्रेन में देखा था, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो स्पीड क्या होती थी, माइनस होती थी। लेकिन यहां पर जब स्ट्रीम एंड बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो क्या होगा, स्पीड एड हो जाएगी। अब देखिए मान लीजिए ये बोट डाउनवर्ड है और जो स्ट्रीम है वो अपवर्ड है, मीन्स क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, या फिर बोट जो है अपवर्ड है, स्ट्रीम जो है डाउनवर्ड है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, मीन्स स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम या फिर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगर क्वेश्चन लिखा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मीन्स क्या है वो, उसका मतलब है अप स्ट्रीम, मीन्स स्पीड जो टोटल स्पीड होगी दोनों की वो जाएगी एस बी माइनस एस एस, याद रखिएगा इसको। बस यही दो चीजें हैं यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, विद द करंट और अगेंस्ट द करंट, या फिर विद द स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, बस आपको इसको याद रखना है। और आप ट्रेन्स की प्रॉब्लम देख लीजिए एक बार, जिससे कि जो इसके क्वेश्चंस है, जो पैटर्न बनेगा क्वेश्चंस का, तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आपसे डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी है, 68 किलोमीटर। अब बोले डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एस बी प्लस एस एस, तो एस बी प्लस एस एस आपसे ये पूछ रहा है टाइम आपसे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या मैंने है? बोला ए बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मीन्स जो बोट की स्पीड है 13 दी हुई है, तो बोट की स्पीड दी है 13 प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दी है 4, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 68 अपॉन 17, ये हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया आपका, 4 आवर्स हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ए बोट गोज 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब बोल रहा है
कि जो बोट है वो 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है 10 आवर्स में, मीन्स डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, मीन्स स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगी डाउनस्ट्रीम की, एस बी प्लस एस एस। तो एस बी प्लस एस एस क्या गिवन है आपको, डिस्टेंस है 100 अपॉन टाइम कितना है 10, कितना आ गया ये 10 इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन जरूर कर लीजिएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए देखें क्या दिया हुआ है, एंड 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होगा, एस बी माइनस एस एस इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया है 75 किलोमीटर, कितने आवर में, ये दिया 15 आवर में, कितना हो गया ये 5। इक्वेशन सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, दो इक्वेशन दे दी गई है आपसे, स्पीड पूछ रहा है स्ट्रीम की, तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, तो एस बी प्लस एस एस इक्वल टू गिवन एस 10 और एस बी माइनस एस एस गिवन है आपको 5। सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर देंगे इसको, ये कैंसिल, दिस इज 2 SS इक्वल्स टू दिस माइनस 5, तो SS की वैल्यू क्या आ गई 5/2, 5/2 मीन्स 2.5 किलोमीटर पर आर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका, ए मैन कैन रो हिज बोट विद द स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर पर आर, द मैन्स रेट इज, आपसे मैन्स रेट पूछ रहा है, मीन्स मैन की स्पीड पूछ रहा है, मैन किसके ऊपर बैठा है, बोट के ऊपर बैठा है, मीन्स आपसे एस बी की वैल्यू पूछी जा रही है, बोट की स्पीड पूछी जा रही है, क्या गिवन देखिए, मैन कैन रो हिज बोट विद द स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आर, मीन्स बोल रहा है विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम मीन्स डाउन स्ट्रीम, तो एस बी प्लस एस एस गिवन है आपको, कितना दिया है 6 किलोमीटर पर आर, एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज एस बी माइनस एस एस दिया है, कितना दिया है 4 दिया है, आपसे एस बी की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 10, दिस इज 2 SB, तो एस बी की वैल्यू क्या गई यहाँ से 5 किलोमीटर पर आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपका, ए मोटर बोट विच स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन ए टोटल ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, आपसे पूछ रहा है एस एस की वैल्यू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बट कंडीशन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ बोल रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गया और वापस आया, मीन्स टोटल टाइम गिवन है, मीन्स टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम इज जाने में लगा टाइम प्लस आने में लगा टाइम, मीन्स अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, यही टोटल टाइम है भाई, किसी पोजिशन पे जाएगा, मान लीजिए ये प्लेस है ए, ये प्लेस है बी, ठीक है, मोटर बोट विच स्पीड इज, मीन एस बी की वैल्यू गिवन है आपको 5 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मीन मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम आया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम आया एंड कम्स बैक इन ए टोटल ऑफ 4 आवर 30 मिनट एंड वापस चला गया, तो एक बार डाउन स्ट्रीम हुआ, एक बार अप स्ट्रीम हुआ, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टाइम गिवन है आपको 4 आवर 30 मिनट, मीन्स 4 आवर 30 मिनट, मिनट कन्वर्ट कर लिया मैंने आर में, डिवाइड कर दिया 60 से, तो ये टोटल टाइम हो गया, डाउन स्ट्रीम जाने लगा टाइम क्या हुआ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर की है 30 किलोमीटर अपॉन डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ, एस बी प्लस एस एस, एस बी आपको गिवन है 5, तो एस बी प्लस एस एस फाइंड करना है, ठीक है, प्लस वापस रिटर्न हुआ, मीन्स अप स्ट्रीम, डिस्टेंस कितनी कवर किया 30, एस बी कितना है 5, एस एस क्या हो जाएगा आपको फाइंड करना है एस एस, ठीक है, अब सॉल्व कर लेना है इसको, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे फिर ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दो ही वैल्यूज आएंगी, एक निगेटिव आएगी, हो सकता है एक पॉजिटिव आए, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव वाला आपका आंसर रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए जब भी इस टाइप की कंडीशन बनेगी बोट एंड स्ट्रीम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए जब भी इस टाइप की कंडीशन बनेगी बोट एंड स्ट्रीम में जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली होगी, तो आपको वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके चेक कर लेना है कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल होना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, देखिए सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 4.5, ठीक, तो राइट साइड में 4.5 आना चाहिए अगर आपका कोई ऑप्शन राइट है तो, ठीक है, चलिए 4 पुट करते हैं यहां पे, देखिए तो 4 पुट करेंगे तो 30 अपॉन कितना हो जाएगा 30/9 प्लस 30/1 मींस ये 30 प्लस आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली आपका आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन है 5, अगर मैं यहां 5 पुट कर दूंगा तो 5-5 क्या हो गया 0, तो 30/0 क्या हो गया इनफिनाइट, मींस ये भी एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा है, नेक्स्ट देखते हैं 6, अगर 6 पुट करते हैं तो 30/11, ठीक है, तो 30/11
प्लस 30 अपॉन माइनस 1, तो ये माइनस में आंसर आ रहा है। मीन्स ये तीनों ऑप्शन आपको क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 4.5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स एच डी की वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 4.5 किलोमीटर पर आवर। बट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू स्विम अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए, टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू स्विम अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाने में डबल टाइम ले रहा है कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम का। ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेगा अप स्ट्रीम में, क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है वो करंट के। तो बोल रहा है जो टाइम है किसका, अप स्ट्रीम का, वो डबल है किसके, डाउन स्ट्रीम के। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस मैंने मान ली डी है, ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया डी। अप स्ट्रीम में क्या होता है, एस बी माइनस एस एस इक्वल्स टू टू। टाइम क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या मानी मैंने, डी अपॉन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एस बी प्लस एस एस। ये डी डी कैंसिल हो गया, ये वैल्यू यहां जाएगी, ये वैल्यू यहां चली जाएगी, तो जाएगा एस बी प्लस एस एस इक्वल्स टू एस बी माइनस टू एस एस, ठीक है। ये हो जाएगा टू एस एस प्लस एस एस थ्री एस एस, और यहां क्या बचेगा, एस बी, तो जाएगा थ्री एस एस इक्वल्स टू एस बी। अब एस बी की वैल्यू आपको गिवन है, एस बी कितना है, 4.5, तो एस बी की वैल्यू 4.5 डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर आर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1.5 किलोमीटर पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका, ए बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 90 मिनट लेस। तो याद रखिएगा, जब भी कहीं भी या किसी भी टॉपिक में, एलिमेंट्री मैथ्स के या फिर एप्टीट्यूड के, कहीं भी मोर देन दिया हो या फिर लेस दिया हो, ठीक है, मोर दिया हो या फिर लेस दिया हो, मीन्स आपको एक्चुअल में वो डिफरेंस दिया रहता है, ठीक है। किसका डिफरेंस दिया है यहाँ पे, इस टॉपिक में किसका डिफरेंस दिया है, ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का जो डिफरेंस दिया है टाइम का, वो कितना दिया है, 90 मिनट। तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, लेस एंड मोर को, अगर लेस दिया है मोर दिया है मीन्स आपको डिफरेंस दिया गया है। बहुत सिंपल है, जो अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा होगा माइनस डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा होगा वो कितना होगा, वो होगा 90 मिनट्स होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर अपॉन एस बी माइनस एस एस, तो एस बी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, एस बी माइनस एस एस माइनस डाउन स्ट्रीम में कितना ट्रेवल करेगा, 36 किलोमीटर, स्पीड क्या हो जाएगी, एस बी प्लस एस एस इक्वल्स टू कितना दिया है, कितना डिफरेंस है टाइम का, 90 मिनट्स, मीन्स 90 अपॉन 60, इसको मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2। सेम कंडीशन वैसे ही बन गई, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो आपको सॉल्व वैसे नहीं करना है। क्या बताया था मैंने आपको, ऑप्शन से चेक कर लेना है, तो ऑप्शन से वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, तो ऑप्शन से मैंने 2 यहाँ पुट किया, तो 36 अपॉन 8 माइनस 36 अपॉन 12, देख लेंगे इसको, दिस इज 4.5 माइनस दिस इज 3, दिस इज 1.5। अब यहाँ पे राइट साइड में कितना है, ये भी है 1.5, मींस LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है यहाँ पे, मींस आपको जो ऑप्शन ए है वो राइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन से वैल्यू पुट करके आंसर लेके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका, ए बोट सेल्स 15 किलोमीटर ऑफ ए रिवर टुवर्ड्स अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। अप स्ट्रीम बोल रहा है 15 किलोमीटर 5 आवर्स में, अप स्ट्रीम में क्या होगा स्पीड, एस बी माइनस एस एस, क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर 5 आवर, कितना हो गया ये, 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ करंट इज। अब बोल रहा है स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 द स्पीड ऑफ बोट, जो स्पीड ऑफ जो करंट है एस एस जो है वो क्या है, 1/4 ऑफ एस बी है। तो यहां से देखिए आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एस बी कितना हो जाएगा यहां से, 4 SS, तो यहां पुट कर देंगे 4 SS, तो ये जाएगा 4 SS माइनस एस एस इक्वल्स टू 3, तो ये जाएगा एस एस की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, एस एस की वैल्यू आ गई 1 किलोमीटर पर आर। अगर एस एस 1 किलोमीटर पर आर है तो एस बी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आर, ये हो गया 4 किलोमीटर पर आर, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट
टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर करना मीन्स डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर करना, टाइम पूछ रहा है आपसे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 अपॉन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा एस बी प्लस एस एस मीन्स 4 + 1 5, तो आंसर क्या आएगा आपका 3 आर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बोट टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए मेरा ये है, पॉइंट बी मेरा ये है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू अ पॉइंट सी विच इज एट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। मीन्स यहां से गया वो बी तक, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, देन कहां पे वापस रिटर्न आया, वो आया रिटर्न सी तक। ये मान लिया मैंने पॉइंट सी है मेरा जो कि इन दोनों के बीच में है, ठीक। अब बोला द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बोला आपसे ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मैं मान लेता हूँ ए और बी के बीच की डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर, तो ऑब्वियसली बी से सी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी एक्स बाई 2 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल टाइम दिया यहाँ पे 19 आवर्स, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाने में ए से बी, तो ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी मानी मैंने एक्स अपॉन डाउन स्ट्रीम में एस बी प्लस एस एस मीन्स 14 + 4 दिस इज 18, ठीक है। अब बोल रहा है रिटर्न कहां तक आया, वो सी तक आया, डिस्टेंस कितनी कवर किया एक्स अपॉन 2 अपॉन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मीन्स एस बी माइनस एस एस, 14 - 4 कितना हो जाएगा 10। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, ये ले रहा है टोटल टाइम 19 आर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, अगर आप कंडीशन समझ गए तो बहुत आसान है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम सॉल्व करना। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया मान लीजिए इसका 180, तो ये 10x प्लस दिस इज 9x, तो ये 19, ये जाएगा 19x इक्वल्स टू 19 इनटू 180, तो 19 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 180 किलोमीटर, तो आपका आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर व्हाइल इट कम्स बैक इन 1.5 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज बी 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बोट एस बी की वैल्यू पूछ रहा है। बोला है ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस मैंने मान ली डी है, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा एस बी प्लस एस एस, एस बी कितना दिया हुआ है एस बी फाइंड करना है, तो एस बी प्लस एस एस की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है, ये बोल रहा है 1 आवर में, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे एस बी प्लस 3, इक्वेशन फर्स्ट। बोला व्हाइल इट कम्स बैक इन 1.5 आवर्स मीन डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, अब यहाँ क्या हो जाएगा एस बी माइनस एस एस, क्योंकि रिटर्न आ रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम आ रहा है, अगर एक बार डाउन स्ट्रीम में गया तो रिटर्न कैसे आएगा अगेंस्ट द स्ट्रीम में आएगा। टाइम कितना लगा 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है, 1.5 आवर मीन 1 आवर 30 मिनट्स या फिर 1.5 आवर, ठीक है, या फिर 3/2 आवर। सॉल्व कर लेंगे तो डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो गया 3/2 एस बी माइनस 3 × 3 मीन 9/2, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ पे डी दोनों के इक्वेशन में क्या है, डी है, डी की वैल्यू क्या है एस बी प्लस 3, यहाँ पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा आपका, तो डी की वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो एस बी प्लस 3 इक्वल टू 3/2 एस बी माइनस 9/2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 3 + 9/2 इक्वल्स टू 3/2 एस बी माइनस एस बी, ये हो जाएगा 15/2, 15/2 इक्वल्स टू दिस इज हाफ एस बी, तो यहां से 2 कैंसिल हो गया, एस बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, मीन्स बोट की स्पीड कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स 4 आवर्स मोर इन अप स्ट्रीम देन द डाउन स्ट्रीम, द डिस्टेंस इज। मैंने पहले बताया था मोर या फिर लेस, मोर या फिर लेस मिलेगा, मीन्स आपको डिफरेंस दिया हुआ है, तो इस टॉपिक में डिफरेंस किसका दिया है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। तो देखिए डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, मैंने मान ली डिस्टेंस कितनी है एक्स है,
तो अप स्ट्रीम में जाने में लगा टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, एस बी माइनस एस एस। तो एस बी कितना दिया हुआ, देखिए यहां पे दिया है 4 6 किलोमीटर पर आवर, एस बी दिया है तो 6 माइनस करंट की स्पीड कितनी दी है 2, माइनस क्या बोल रहा है 4 आवर्स मोर, मीन्स 4 आवर्स जो है वो डिफरेंस है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, सेम करेगा, यहां हो गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जाने टाइम कितना लेगा, स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 6 प्लस 2 इक्वल्स 2। ये डिफरेंस जो है टाइम का कितना है, वो है 4 आवर्स, एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया, दिस इज 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 32 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 32 किलोमीटर। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि आपको इस टॉपिक को करने से पहले टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगर टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेंस आपने कर लिया तो उसी टाइप के पैटर्न बनते हैं यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।